एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम साइंस के चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी फायदेमंद होगी। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे लिए पहला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशिक परिघटना पर आधारित है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब जानने से पहले हमें समझना होगा कि तारों का टिमटिमाना मतलब क्या। देखिए, अगर आप तारों को निहारें तो आप देखेंगे कि उसकी जो ब्राइटनेस है वह घटती बढ़ती रहती है, तो इसी परिघटना को ही कहा जाता है तारों का टिमटिमाना। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशिक परिघटना पर आधारित है। ऑप्शन दिया हुआ है वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का विवर्धन या प्रकाश का तरंग प्रकृति। तो देखिए, तारों के टिमटिमाने के पीछे का जो कारण है वह है वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव, मुख्य अक्ष या वक्रता त्रिज्या। तो देखिए, कोई भी गोलीय दर्पण की जो मिडिल पॉइंट होती है उसे हम पी द्वारा इंडिकेट करते हैं, और इसी पॉइंट पी को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, यानी पोल ऑफ द मिरर। अगला क्वेश्चन में हमें बताना है, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु होता है। यानी इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किस स्थिति में अवतल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन दिया हुआ है जब वस्तु अनंत पर हो, या सी और एफ के बीच हो, या पी तथा एफ के बीच हो, या एफ पर हो। तो हमें बताना है कि कौन सी ऐसी स्थिति है जहां पर वस्तु को रखा जाए तो अवतल दर्पण उस वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तो देखिए, अवतल दर्पण जो है ये किसी वस्तु का आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। तो कोई भी अवतल दर्पण जो है वह किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब सिर्फ एक ही स्थिति में बना सकता है, जब वह वस्तु पी और एफ के बीच हो। यानी कोई भी वस्तु अगर दर्पण का ध्रुव और दर्पण के फोकस के बीच रखा जाए तो वैसे स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वह आभासी और सीधा होगा। इसलिए सही जवाब होगा पी और एफ के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के लिए वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान होता है जब वस्तु होती है। ऑप्शन दिया हुआ है एफ पर, सी पर, अनंत पर या सी से परे। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के केस में कहां पर रखें कि उसका प्रतिबिंब समान आकार का बने, यानी प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार एक जैसा हो। तो देखिए, कोई भी वस्तु को अवतल दर्पण के अगर सी बिंदु पर रखा जाए, यानी वक्रता केंद्र पर रखा जाए, तो वैसी स्थिति में प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह वस्तु के आकार के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए सही जवाब होगा सी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है? ऑप्शन दिया हुआ है शेविंग दर्पण के रूप में, गाड़ियों के हेडलाइट्स में, दंत विशेषज्ञ द्वारा यानी डेंटिस्ट द्वारा, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग जो है वह तीनों ऑप्शन में होता है, यानी शेविंग दर्पण के रूप में भी होता है, गाड़ियों के हेडलाइट में भी होता है और डेंटिस्ट द्वारा भी होता है। अवतल दर्पण क्या करती है कि किसी इमेज का बड़ा प्रतिबिंब बनाती है ताकि उस इमेज को हम बेहतर ढंग से देख सके। इसलिए सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, गाड़ियों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सी दर्पण उपयोग की जाती है? ऑप्शन हमारे पास है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गाड़ियों में बैक मिरर के रूप में जो यूज किया जाता है वह है उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है जिसके कारण बहुत बड़े क्षेत्र को कवर किया जा सकता है। इसलिए गाड़ियों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें बताना है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ के बीच का संबंध क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू टू आर, आर इज इक्वल टू टू एफ, आर इज इक्वल टू एफ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किसी भी गोलीय दर्पण के केस में वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ के बीच का जो सही संबंध है वह है आर इज इक्वल टू टू एफ, यानी वक्रता त्रिज्या जो होगा वह फोकस दूरी का दुगुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है केवल आभासी, केवल वास्तविक, आभासी और वास्तविक दोनों,
या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गोल या दर्पण दो तरह का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो है ये आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण जो है ये केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। तो अवतल दर्पण के केस में हम कह सकते हैं कि आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा। देखिए एक गोलीय दर्पण दिया हुआ है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। तो देखिए किसी भी गोलीय दर्पण के केस में जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि r इज इक्वल टू 2f होता है। तो r के जगह पर हम 20 सेंटीमीटर पुट कर देंगे और उसको 2 से भागा दे देंगे। इस प्रकार f का वैल्यू यानी फोकस दूरी का जो वैल्यू होगा वह 10 सेंटीमीटर होगा। तो हम कह सकते हैं कि उस गोलीय दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण सूत्र है। ऑप्शन हमारे पास है 1/v - 1/u = 1/f या 1/v + 1/u = 1/f। ऑप्शन 3 है 1/f + 1/v = 1/u या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमें चुनना है कि कौन सा इक्वेशन जो है वह दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र का सही फॉर्म है 1/v + 1/u = 1/f। हमारा अगला क्वेश्चन भी ठीक उसी तरह का है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस सूत्र है। पिछले क्वेश्चन में हमने दर्पण सूत्र देखा, इस क्वेश्चन में हम लेंस सूत्र देखेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है 1/v - 1/u = 1/f। सेकंड ऑप्शन है 1/v + 1/u = 1/f। थर्ड ऑप्शन है 1/f + 1/v = 1/u और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लेंस सूत्र का सही इक्वेशन है 1/v - 1/u = 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं, यह किस प्रकाशिक परिघटना पर आधारित है। देखिए किसी प्रिंटेड पेपर पर अगर कांच के स्लैब को रख दिया जाए तो उसमें अक्षर उठे हुए दिखाई देते हैं। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो घटना है ये किस प्रकाशिक परिघटना पर आधारित है। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह की जो परिघटना होती है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का है, पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यह किस प्रकाशिक परिघटना पर आधारित है। देखिए कोई भी पेंसिल को अगर हम पानी में आधा डुबाते हैं तो हमें पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो हमें बताना है कि ये किस प्रकाशिक परिघटना पर आधारित है। ऑप्शन हमारे पास है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो ये परिघटना जो है ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें बताना है कौन सी भौतिक राशि की कोई इकाई नहीं होती है। जनरली हम जानते हैं कि कोई भी भौतिक राशि की एक इकाई होती है, जैसे दूरी को हम मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, उसी प्रकार स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका कोई इकाई नहीं है। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी, अपवर्तनांक या प्रकाश की चाल। तो देखिए इन सभी ऑप्शंस में से अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी भौतिक राशि है जिसकी कोई इकाई नहीं होती है। अपवर्तनांक को म्यू से इंडिकेट किया जाता है और ये होता है प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल भागा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी म्यू इज इक्वल टू होता है c/v। तो चूंकि जब चाल को हम चाल से भागा देंगे तो इस प्रकार हमें कोई इकाई प्राप्त नहीं होगी, यानी अपवर्तनांक जो है ये एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका कोई इकाई नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। ऑप्शन हमारे पास है 3×10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁵ मीटर पर सेकेंड या 3×10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वैक्यूम में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है।
ऑप्शन है मीटर, वाट, डायफ्टर या आफ्टर। तो लेंस के पावर का एसआई मात्रक है डायफ्टर। उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन है केवल आभासी, केवल वास्तविक, वास्तविक और आभासी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। इसलिए सही जवाब क्या होगा? केवल आभासी। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्नेल का नियम संबंधित है, यानी किस प्रकाशिक परिघटना का संबंध स्नेल के नियम से है? ऑप्शन हमारे पास है प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, उपर्युक्त दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, स्नेल का नियम बताती है कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी आई जो है वह है आपतित कोण और आर जो है वह है अपवर्तित कोण। तो इन दोनों का रेशियो, यानी साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वह एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, जिससे हम म्यू द्वारा इंडिकेट करते हैं, और म्यू है माध्यम का अपवर्तनांक। इस प्रकार ये इक्वेशन जो है, ये है स्नेल का नियम, और ये इक्वेशन का संबंध है प्रकाश के अपवर्तन से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायफ्टर है, इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो देखिए, किसी भी लेंस की क्षमता अगर दी हुई रहो तो हम उसकी फोकस दूरी को निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फोकस दूरी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1 डिवाइडेड बाय पी, यानी 1 को हम क्षमता से भागा दे देंगे। इसी प्रकार पी के जगह पर हम 2 पुट कर देंगे और हमारा वैल्यू निकल जाएगा 0.5 मीटर। यहाँ पर मीटर इसलिए हुआ क्योंकि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है वह है डायफ्टर। तो जब हम क्षमता को डायफ्टर में लिए, यानी एसआई मात्रक में लिए, तो हम दूरी को भी मीटर में ही लेंगे, इसलिए एफ का जो वैल्यू निकलेगा वह मीटर में ही निकलेगा। इस प्रकार 0.5 मीटर निकला फोकस दूरी। तो चूंकि इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करना होगा, यानी 50 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार उस उत्तल लेंस का फोकस दूरी होगा 50 सेंटीमीटर।